कोरोना की जीत है कि शहर में हर तरफ अपना वायरस फैलाकर लोगों को अपनी चपेट में लेना है। वहीं नीमच के स्वास्थ्य विभाग की टीम की भी जीत है कि इस वायरस को जड़ से मिटाना है, जिसके चलते आज फिर शहर में सोमवार को क्वारंटाइन रूम से बिल्कुल सेहतमंद होकर प्रधान परिवार के 8 लोग और सहानी परिवार के 6 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। जी हाँ, सहानी परिवार के यह सभी 8 सदस्य शहर के वात्सल्य भवन और डॉक्टर राधा कृष्ण सामुदायिक भवन में क्वारंटीन थे, जिन्हें आज छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें कि इस मौके पर SDM तहसीलदार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी BL रावत, केंट थाना प्रभारी अजय सारवान सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे हैं। ठीक है, स्टाफ का बहुत योगदान है, इन्होंने बहुत समय समय पर ऊपर आके हमको काढ़ा, गरम चाय, नाश्ता, खाना सब पहुंचाया, बहुत अच्छी देखभाल करी, इनके बहुत धन्यवाद। जिन लोगों की 8 तारीख को सैंपलिंग की गई थी, उनको आज 11वां दिन है, 10 दिन के बाद जिनको कोई सिम्टम नहीं है उनको डिस्चार्ज करने का प्रोटोकॉल है। तो इस हिसाब से आज जो प्रधान परिवार है उनके परिवार के 8 लोग और सहानी परिवार के 6 लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया। अभी जो भी जिनके 10 दिन पूरे हो जाते हैं उसके आधार पर इनको डिस्चार्ज किया जाएगा बाकी लोगों को। जैसा आपको विदित है, अभी बादशाह जो अपना है क्वारंटाइन जो सेंटर है, वहाँ से प्रधान परिवार के 8 जो सदस्य हैं उनमें कोई सिम्टम नहीं थे, पूरी तरह वो स्वस्थ हैं, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो है उसको छोड़ा गया है। और ये जो जहाँ हम अभी खड़े हैं यहाँ से हमने 4 सदस्यों को छोड़ा है, है ना, ये सहानी फैमिली के परिवार के सदस्य हैं, ये यहाँ से स्वस्थ होके गए हैं और इनको इस निर्देश के साथ छोड़ा है कि घर पर भी जो COVID-19 के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे। और इनको हमने एक नंबर भी अलग से हम सबके नंबर दिए हैं, जब कभी इनको कोई लगता है कोई इशू है, कोई तकलीफ है तो हमसे बात करेंगे। हमारी जो टीम है, चूँकि ये दोनों कंटेनमेंट एरिया में गए हैं तो टीम हमारी जो वहाँ स्थायी रूप से लगी है वो अब इनको प्रॉपर वॉच करेगी, नेक्स्ट डे कभी कोई इश्यूज होगा फिर उस हिसाब से हम उसमें आगे कर रहे हैं। नहीं, ये तो जब तक हमारा कंटेनमेंट बना हुआ है जी, वो तब तक हम इसको लगातार जारी रखेंगे। ये आज 2 फैमिलियां हैं जिनको वात्सल्य भवन से डॉक्टर प्रधान जी की फैमिली के कुल 8 सदस्यों को वहां से डिस्चार्ज किया जो कोरोना पॉजिटिव थे। इसके अलावा यहाँ राधा स्वामी सामुदायिक भवन से भी 6 लोगों को जो सहानी फैमिली घंटाघर की थी उनको डिस्चार्ज किया और वो लोग सभी स्वस्थ हैं और यहाँ पर बता के गए कि यहाँ पर उनका बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है और सभी सुविधाएं उनको यहाँ पर दी गई हैं और सभी प्रशासनिक अधिकारी प्लस डॉक्टर्स प्लस हम लोगों ने उनको तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया कि आप लोग ये जो जंग जीत के गए हैं तो ये आप दूसरों को भी मोटिवेट करें और अभी भी 7-8 दिन तक इसका जो भी यहाँ पर जो आपको प्रिकॉशंस बताए गए हैं उसका पालन करना है उनको और आगे भी अवेयर रहना है। ये क्या है कि जैसे जैसे रिपोर्ट जिसकी आती है उसके लगभग 12 दिन का जो ये समय है उसके बाद इन लोगों को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि किसका टर्न कब आ रहा है। अब संभवतः ये जो बाबू खां हैं उनके परिवार वालों को 1-2 दिन में यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। वॉइस ऑफ MP के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।